देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CGPET, CGPPHT और CGPPT का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, आप लोगों का काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो गया, और चौथे राउंड का काउंसलिंग आप लोगों का नहीं होगा। चौथे राउंड के काउंसलिंग के बजाय आपका स्पॉट राउंड का काउंसलिंग हो रहा है। स्पॉट राउंड का काउंसलिंग जो है 22 और 23 नवंबर को पूरा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, लेकिन आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग 26 और 27 नवंबर को आपका सेकंड राउंड का स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होगा, और आपके PET, PPHT, PPT का जो स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होगा उसमें आपके 12वीं के परसेंट मार्क्स के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो जब आप स्पॉट राउंड के काउंसलिंग कीजिएगा तो आप स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में कोई भी गलती मत करना, 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है आपके पास, मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास जो है आखिरी मौका है, इसके बाद आपको PET, PPHT और PPT के काउंसलिंग का कोई भी टाइम और कोई भी प्रक्रिया आपको नहीं दिया जाएगा। स्पॉट राउंड का काउंसलिंग ही आपका लास्ट है, जिससे आप जो है इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में और पॉलिटेक्निक में जो है एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। तो आप स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में कोई भी गलती मत करना, और आप लोगों का मार्क्स परसेंटेज बहुत अच्छा होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है और जो है सीट आवंटन कब होगा, सभी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, PET, PPHT परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाली स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग जो है कर सकते हैं, और 12वीं के आधार पर आपके इंजीनियरिंग और फार्मेसी में आपको प्रवेश मिल जाएगा। यानी कि यदि आपने PET, PPHT और PPT का एग्ज़ाम फॉर्म फिल भी नहीं किया है, ना ही काउंसलिंग किया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड का काउंसलिंग, और आप जो है डायरेक्टली जो है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग जो है कर सकते हैं, और ये सेकेंड राउंड है स्पॉट राउंड का काउंसलिंग, इसके बाद आपको कोई भी मौका जो है नहीं दिया जाएगा। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है 22 से 23 नवंबर को प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, और इसके साथ ही साथ आपको DVC कराना ज़रूरी था, और 24 नवंबर को आपका सीट आवंटन हो गया, और 25 नवंबर को आपको कॉलेज में जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिला उन स्टूडेंट ने अपना जो है एडमिशन भी ले लिया होगा। और वही बात करें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की, तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग आपको जो है 26 और 27 नवंबर को होगा, 28 नवंबर को जो है आपका मेरिट सूची जो है जारी होगा, और 29 और 30 नवंबर को आपको जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आप जो है कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेना, उस सीट को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने सीट छोड़ लिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास आखिरी मौका है, तो जब भी अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो आप उस सीट को मत छोड़ना, और आप जो है आज 26 नवंबर है और कल 27 नवंबर है, आपके पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग करने के लिए। तो आप PET वाले हो, PPHT वाले हो, PPT वाले हो, तो आप जो है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको काउंसलिंग जो है कैसे करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको ओपन करने के बाद CGDT ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 लिखकर आपको सर्च कर देना है। चाहे तो आप सिर्फ CGDT भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में जो सबसे पहले लिंक रहेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपका काउंसलिंग वाला साइट ओपन हो जाएगा। आपको एडमिशन इन्फो में जाना है और मोर पर वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग 2021-22 वाले ऑप्शन को जो दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर और एक लिखाई रहेगा सिर्फ उसी टाइप का लिंक, ऑनलाइन काउंसलिंग 2021-22, इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको ओके क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपका है CGPET का, CGPPHT का, CGPPT का तीनों का दिखाई देगा, तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन। तो आपको जो है फर्स्ट सेकंड राउंड के काउंसलिंग किए हैं वो अलग है, इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अदर स्टेट छत्तीसगढ़, तो आपको छत्तीसगढ़ पर टिक कर लेना, आप छत्तीसगढ़ के हैं तो। फिर आपको जो है एग्ज़ाम नेम भरना है, ईयर भरना है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक और ईमेल पर एक आपका जो रजिस्ट्रेशन
आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन वाले पर जाना है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और साथ में कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है, 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको जो है कॉलेज चुनने का ऑप्शन दिखाई देगा और जब आपको लगे कि मैंने फॉर्म पूरा फिल कर लिया, आपको भी मिस्टेक मत करना, फिर आपका जो पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है 28 नंबर को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आज 26 नंबर है, कल 27 नंबर, आपके पास दो दिन का जो है टाइम है। तो बिना देर किए आज 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा स्मार्ट राउंड के सेकंड राउंड के काउंसलिंग। तो आप काउंसलिंग ज़रूर कीजिए और आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट जो बचे हैं जो इंजीनियरिंग फार्मेसी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, मैं यही आशा करता हूँ। और आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कॉलेज छोड़ दिए होंगे, उनको लग रहा होगा कि काश हमने कॉलेज नहीं छोड़ा होता। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपको कॉलेज नहीं छोड़ना है, अगर आपको एक बार कॉलेज मिल जाता है आपको उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। और वही बात रहा कि कोर्स कितने कितने का होता है, तो इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स रहता है, बी फॉर्म 4 साल का रहता है, डी फॉर्म भी 2 साल का रहता है, पॉलिटेक्निक में भी 4 साल का रहता है। तो आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करना, काउंसलिंग में कोई भी गलती मत करना। अगर थोड़ी सी मिस्टेक आपको लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ तो आप जो है एक बार फिर से फॉर्म फिल करना और आप जो है हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जानकारी जब तक आपको ना हो उसको फॉर्म फिल मत करना। और आप एक छोटी सी भी अगर गलती कर देते हैं तो जो आपका काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो रहा होता है वो भी आपका नहीं होगा। और बात करें कि कितने परसेंटेज मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा, तो जिनका 12वीं में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका 95 और OBC कैटेगरी वालों का 92 से 90 और SC कैटेगरी का अगर 85 से 89 है और ST कैटेगरी के अगर 70 से 85 के बीच में है तो आप लोगों का काउंसलिंग में नाम आ जाएगा। तो अगर जितने भी स्टूडेंट जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमारा इतने परसेंटेज मार्क्स में हम लोगों का सिलेक्शन जो है हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो इस पार्ट राउंड का सेकंड राउंड का काउंसलिंग हो रहा है, आप काउंसलिंग ज़रूर कीजिए और आप कोई भी गलती मत करना और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक पॉलिटेक्निक फार्मेसी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। आई होप कि सभी जानकारी आपको पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए और 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का काउंसलिंग। तो बिना देरी किए आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और मैं आपको बता दूं कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर एडमिशन। और एक बात और कि DVC भी आपको साथ में ही कराना है, DVC के लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। आज 26 से 27 नंबर को आपका काउंसलिंग होगा, उसी डेट में आपको जो है DVC कराना पड़ेगा। और एडमिशन के टाइम आपका 10वीं 12वीं का मार्क शीट, TC, माइग्रेशन और आपका पासवर्ड, फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी चीज़ें आपका लगेगा और आय जाति निवास भी लगेगा। और जिनके पास अभी नहीं बना वो बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।